तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका आर्टिस्ट दोस्त यादव नेपाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं अपने स्टूडियो में, क्योंकि ये जो वर्क आप देख रहे हैं ये वर्क मुझे कंप्लीट करना है। और अभी 3-4 दिन हो गया मुझे इस काम को करते हुए, और अभी ये पोजिशन है कि यहाँ पर मैंने बेस तो कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पर जो काम बचा हुआ है वो काम देख रहे हैं आप। ये कुछ अब जो मेन डिटेलिंग्स का वर्क है वो बचा हुआ है, तो आज हम इस काम को पूरा करेंगे। और उसके अलावा पीछे भी देखिए बहुत सारे काम अभी रखे हुए हैं, तो वो काम भी आज थोड़ी देर शुरुआत हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज इस वर्क को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह का काम निकल के आता है सामने। दोस्तों एक कमीशन वर्क था जो मेरे एक मित्र ने मुझे दिया था, और आप जैसा देख सकते हैं मेरी स्टाइल जो है वो रियलिस्टिक वर्क की है। मैं रियलिज्म में थोड़ा सा ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पर जब हम रियलिज्म करते हैं और ख़ासकर जब ऑयल पोर्ट्रेट में काम करते हैं ना, तो दोस्तों उस चीज़ को निकालना, चेहरे पे जो भाव हैं उस चीज़ को निकालना, इमोशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एक बहुत बड़ा टास्क होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि वैसे ही सेम भाव निकाल के लेके आना। भाई पोर्ट्रेट की सार्थकता भी तभी होती है जब हम अच्छे से पूरे के पूरे फेस के भाव उतार के लेके आ जाएं, राइट फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये लेयर एक मेरी लेयर जो थी वो सूख चुकी है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। जो हल्की हल्की छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती हैं वो मैं आगे चर्चा करूँगा आपको, वो सारी में सारी यहाँ पर कर रहा हूँ, राइट फ्रेंड्स। तो रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करते जाइए, देखते जाइए, और उसके बाद धीरे धीरे जैसा दिख रहा है वैसा यहाँ पर कलर को अप्लाई करते चलना है हमको। सारा का सारा खेल जो है वो है लाइट और शेडो का। लाइट और शेडो को अच्छे से पकड़ के चलिए, जहाँ हाईलाइट्स है उसको निकालते चलिए, और जो शेडो वाला एरिया है वहाँ पर कुछ डेप्थ देते जाइए। एकदम से रियलिज्म हमको निकलता जाएगा हमारे कैनवस पर। यहाँ मैं छोटी छोटी डिटेलिंग को लेकर चल रहा हूँ, लेयर बाय लेयर हमको काम करना है। एक लेयर ड्राई होती जाए और फिर दूसरी लेयर आप डालते जाइए। लेकिन देखिए यहाँ मैं दोनों तरह की टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ, वेट एंड वेट का भी यूज़ कर रहा हूँ और साथ में लेयरिंग वर्क है उसका भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। वेट एंड वेट में दोस्तों हमें काम जब कर रहा होता है तो ये जब गीला ही कैनवस होता है उसी पे हमको काम कर देना पड़ता है, तो उसके लिए भी थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, खासकर जब हम ऑयल पेंटिंग में काम करते हैं तो, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद अब देखिए साड़ी के ऊपर जो डिज़ाइन है यहाँ पर वो मैं डाल रहा हूँ, और इसके लिए जो सरफेस है वो थोड़ा सा ड्राई होने के बाद में फिर इसके बाद थोड़ा सा येलो आकर बंड शियाना मिला के एक बेस तैयार किया, और बेस के बाद में फिर इस पर मैं देखिए साथ साथ में हाइलाइट्स भी देता जा रहा हूँ। जितनी डेप्थ हम बढ़ाते जाएंगे उतना रियलिज्म के करीब हम बढ़ते जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का वर्क आज हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे जाना भी है कहीं कुछ बाकी में परचेज करने। दोस्तों इस पोर्ट्रेट में अब जो मेन पार्ट बचा हुआ डिटेलिंग का ही बचा हुआ है, क्योंकि फेस की डिटेलिंग मैं कर चुका हूँ और साड़ी की जो यहाँ पर जो डिटेलिंग करनी थी वो कर चुका हूँ। लेकिन अब आगे का जो वर्क है वो वर्क होगा थोड़ा सा, तो एक बार पेंटिंग थोड़ी सी सूख जाए, एक बार जो ये लेयर है थोड़ी ड्राई हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और अभी अब बाकी चीज़ें हम कल करते हैं, और थोड़ा सा मुझे मार्केट जाना है, मार्केट जाने के बाद में और फिर मैं ये काम को वापस बैठूंगा अभी रात में करने के लिए। और यहाँ पर ये जो कोड देख रहे हैं जो प्लेन है, ये प्लेन नहीं है, इसमें चेक्स पड़ेंगे, तो वो चेक्स हम अभी डालेंगे, मैं लौट आऊँ उसके बाद हम डालेंगे। तब तक अब ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं नई नई वीडियो आपको देता जाऊँ। तब तक चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।